Let's do question number 5 of exercise 2.7, that is fraction and decimal. Question number 5th is find. हमें find करनी है इन सब की values. तो first part लिख लेते हैं. First part है हमारा 7 divided by 3.5. तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, 7 divide कर सकते हैं 3.5 से. अब देखिए नीचे की side point है, अगर इसको ऑपोजिट साइड जीरोज लगती हैं, मतलब अगर न्यूमरेटर में पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में जीरोज लगेंगी उतनी ही जितनी डिजिट से पहले पॉइंट है, और अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो उतनी ही न्यूमरेटर में लगती हैं जीरोज. तो क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी. क्यों एक जीरो? क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट था. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं. तो देखिए 7 ones are 7, 7 5s are 35, 5 ones are 5, 5 2s are 10. That's it. कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ 2 बचा है, तो 2 is the answer. Let's do second part now. Second part is 36 divided by 0.2. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 36 को divide कर सकते हैं 0.2 से. तो अगर हम point हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगी, क्योंकि एक digit से पहले point था तो एक 0 लग गई. अब जो cancel होता है उसको cancel कर देते हैं. तो देखिए 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 8s are 16. तो 18 into 10 कितना हो गया? 18 into 10 is 180 is the answer. Let's do third part now. Third part is 3.25 divided by 0.5. तो देखिए 3.25 को हम डिवाइड करेंगे 0.5 से. तो मैंने आपको बताया था अगर न्यूमरेटर में पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में जीरोज लगेंगे, और डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो न्यूमरेटर में जीरोज लगेंगे. तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर में से पॉइंट हटाया तो नीचे दो जीरोज, दो डिजिट से पहले पॉइंट था तो दो जीरोज लग गई, और डिनोमिनेटर में से पॉइंट हटाया तो एक जीरो लग गई, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक डिजिट से पहले पॉइंट था. अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गई. अब देखिए 5 ones are 5, 5 6s are 30 and 5 5s are 25. तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ऊपर क्या बचा? 65 ones are 65 और 10 बचा नीचे. अब क्योंकि नीचे 10 है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लग गया. तो दिस इज आर आंसर. लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ. फोर्थ पार्ट इज 30.94 divided by 0.7. तो ये कितना आ जाएगा? 30.94 को हमने डिवाइड किया 0.7 से. तो देखिए ऊपर का पॉइंट हटाया तो नीचे दो जीरोज लग गई, क्योंकि दो डिजिट से पहले पॉइंट था, नीचे एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो एक जीरो लग गई. अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई. अब 3094 डिवाइड हो जाएगा 7 से. तो देखिए 7 ones are 7, 7 4s are 28, 29 हो गया, 7 4s are 28, 14 हो गया, 7 2s are 14. तो ये कितना आ गया हमारा? ऊपर क्या बचा? 4 4 2, और नीचे क्या बचा? 10. तो ये कितना आ गया आंसर? 4, एक डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लग गया, तो 44.2 इज द आंसर. लेट्स डू फिफ्थ पार्ट नाउ. फिफ्थ पार्ट इज 0.5 divided by 0.25. तो देखिए 0.5 को डिवाइड करना है 0.25 से. अब पॉइंट्स लगा को हटाने पड़ेंगे, तो एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो एक जीरो डिनोमिनेटर में लग गई, डिनोमिनेटर की दो डिजिट से पहले पॉइंट था तो न्यूमरेटर में दो जीरोज लग गई, राइट. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई. अब इसी तरीके से 5 ones are 5, 5 5s are 25, 5 ones are 5, 5 2s are 10. तो क्या बच गया? सिर्फ 2. तो 2 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. सिक्स्थ पार्ट इज 7.75 divided by 0.25. तो ये देखिए 7.75 को हमने डिवाइड किया 0.25 से. अब पॉइंट हटाया, नीचे का पॉइंट हटाया तो ऊपर दो जीरोज लग गई, और ऊपर का पॉइंट हटाया तो नीचे दो जीरोज लगे. आप चाहें अगर, क्योंकि दो से पहले ऊपर भी और नीचे भी दो डिजिट से पहले पॉइंट था तो दोनों को कैंसिल भी कर सकते थे, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही आएगा. देखिए ये दोनों कट गए हैं, राइट. अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? 5 से कैंसिल हो जाएंगे,
तो हमने 5 से काट दिया. 5 5s are 25, 5 1s are 5, 27, 5 5s are 25, 5 5s are 25. अगेन 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 1s are 5. तो आंसर कितना आ गया? 31 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. सेवेंथ पार्ट इज 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15. तो ये कितना आ गया? 76.5 को 0.15 से डिवाइड किया. तो ऊपर वाला पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो लग गई, क्योंकि एक डिजिट से पहले था पॉइंट. और नीचे वाला पॉइंट हटाया तो ऊपर दो जीरोस लग गई, क्योंकि दो डिजिट से पहले पॉइंट था. अब जो कैंसिल होता है उसको काट देते हैं. ये देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई. अब 5 1s are 5, 5 3s are 15 एंड 5 1s are 5, 26, 5 5s are 25 एंड 5 3s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15 एंड 3 1s are 3. तो आंसर कितना आ गया? 51 into 10, दैट मीन्स 510 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. एट्थ पार्ट इज 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4. तो ये कितना आ जाएगा? 37.8 को डिवाइड किया 1.4 से. तो क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर नीचे एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो दोनों कैंसिल हो गए, कोई जीरोज लगाने की जरूरत नहीं है. ये दोनों उड़ा दिए. अब देखते हैं ऊपर का ऊपर ऊपर नीचे का आपस में कैंसिल हो पाता है कि नहीं. तो 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18. अब देखिए, 7 1s are 7, 7 2s are 14 एंड 7 7s are 49. तो आंसर कितना आ गया? 27 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. दिस इज एट्थ पार्ट, सॉरी. नाउ वी विल डू नाइन्थ पार्ट, लास्ट पार्ट. दैट इज 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3. तो क्या लिखेंगे? 2.73 को डिवाइड करेंगे 1.3 से. तो देखिए, पॉइंट ऊपर का हटाया तो नीचे दो जीरोज लग गई, और नीचे का पॉइंट हटाया तो एक जीरो लग गई, क्योंकि नीचे एक डिजिट से पहले पॉइंट था और ऊपर दो डिजिट से पहले. अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई. अब देखिए, 13 1s are 13, 13 2s are 26 एंड 13 1s are 13, दैट्स इट. अब क्या लिख सकते हैं इसको? ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हुई, 21 1s are 21 और नीचे 10 आ गया. अब क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लग गया, तो 2.1 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.7 नाउ. अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. वो कह रहा है 43.2 किलोमीटर एक व्हीकल कवर करता है 2.4 लीटर पेट्रोल में. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 लीटर पेट्रोल में? तो ज्यादा की वैल्यू दे रखी है. तो देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 लीटर पेट्रोल में? तो ज्यादा की वैल्यू दे रखी है, एक की निकालनी होती है, तो हम डिवाइड करते हैं. तो 43.2 को डिवाइड करेंगे किससे? 2.4 से. तो हमारे 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू आ जाएगी कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो देखिए, 43.2 को डिवाइड कर दिया 2.4 से, और ऊपर भी एक डिजिट से पहले पॉइंट था और नीचे भी, तो कैंसिल हो गया. अब जो कैंसिल ऊपर नीचे की वैल्यूज कैंसिल करते हैं. तो देखिए, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 0, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 5s are 10 and 2 4s are 8, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 8s are 24. तो आंसर कितना आ गया? 18 किलोमीटर. क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना था तो किलोमीटर में निकालना था, तो दैट्स वाई किलोमीटर. तो इसका मतलब व्हीकल 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा. आंसर.